Hello learner, I welcome you all in NIOS studio for today's live class. We talked about properties of correlation. So what we see that the last point is suggesting कि आप उसमें कुछ भी प्लस माइनस कर दें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें किसी भी वेरिएबल्स के अंदर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, यानी कि इसके रिलेशनशिप पे और जो डिग्रीज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगेन सेम कि ये बात ध्यान रखना कि ये कॉम्पेरेटिव स्टडी है, रिलेटिव स्टडी है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन. द कोरिलेशन कोफिशियंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू टू वेरिएबल्स इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट. ठीक है, डिविजन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, किसी भी तरह से उसको कुछ भी चेंज करेंगे तो ये इसके आर के वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. सो कोफिशियंट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. क्लियर? सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिकॉज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये आ सकता है. Now the most important aspect of the correlation analysis, that is methods of calculating correlation. So what we have seen that there are three methods to calculate coefficient of correlation. Now again you might be asking the question like that, why it is called coefficient of correlation? इसको सहसंबंध गुणांक के नाम से हम क्यों जानते हैं? Again I am answering the question, that is the relative and comparative study between two variables, don't having any measurement and unit for these variables. We take only the numerical value for making the comparative study. That is why it is independent of unit or measurement of the variables. So have a look over here. Methods of determining correlation. The first is a scatter plot. Second is Carl Pearson coefficient of correlation. Third is Spearman's coefficient of correlation. Clear? तीन तरीका है इसको graphical तरीके से show कर सकते हैं. Carl Pearson, जिसका picture मैंने आपको दिखाया था title slide पे, उस बंदे का contribution है. उन्होंने ही suggest किया था कि how to calculate the relationship between these two variables. And the Spearman rank correlation. एक दूसरा भी method है correlation को calculate करने का on the basis of the ranking. Okay, so अब हमें एक एक करके इनके बारे में चर्चा करना है. सबसे पहले हम देखें scatter plot. कि अगर दो variables ये हैं तो कैसे graphically उसको हम present करेंगे और degree and direction of correlations को समझ पाएंगे. A scatter diagram. This method, the value of the two variables are plotted on the graph paper. X or Y, दो एक्सिस होंगे ग्राफ के आपके. ठीक, we get points on the graph which are generally scattered and hence the name scattered plot. इसको scatter plot क्यों कहेंगे? दो variables है आपके पास, X and Y, और उसको हम X Y एक्सिस पर टू डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर हम इसे डिपिक्ट करेंगे. ठीक है, और डिपिक्ट करने के बाद वो चारों तरफ से फैला हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको हम स्कैटर प्लॉट के नाम से जानते हैं. द मैनर इन विच दिस पॉइंट्स आर स्कैटर्ड सजेस्ट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन. अब देखिए, जब आप प्लॉट करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कवर अप करेगा. नेचर जो होगा प्लॉटिंग का वो डिफरेंट होगा. कई सारे प्लॉट एक लाइन में होंगे, कोई कई सारे प्लॉट फैले होंगे, कई सारे प्लॉट जो है वो एक राउंड फिगर का होगा, सर्कल की तरह होगा. ठीक है, तो सिलेंडर की तरह होगा, तो इसके अलग अलग शेप बनेंगे और उस शेप के बेसिस पर हम लोग इसके डिग्रीज को और डायरेक्शन को समझ सकेंगे, क्योंकि यह
पूर्ण सहसंबंध है या हाई डिग्री है या लो डिग्री है या मॉडरेटेड वैल्यू है या पॉजिटिव कोरिलेशन है, धनात्मक सहसंबंध है या ऋणात्मक सहसंबंध है। क्लियर? सी, अब इसमें जो हमने टेबल देखा था डिफरेंट डिग्रीज पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड, तो उसमें कितने थे, 3 और 3 6 और 1 7, 7 डायग्राम्स, 7 उसके डिग्रीज थे। तो 0 को हम कंसिडर नहीं करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव के, परफेक्ट कोरिलेशन को, हाई डिग्री को और लो डिग्री को कंसिडर करते हैं। सी, द टू वेरिएबल्स हैव बीन गिवन टू यू टू प्लॉट अ ग्राफ एंड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, हाउ दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर। सी, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सम वैल्यूज आर गिवन, कुछ वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, एंड यू पुट द वैल्यू ऑन द ग्राफ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन द सेम वे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, and you have been asked to plot the graph. What you will do that? X and Y, because each dot is suggesting X and Y. Dono ke value ko consider karoge, 1 and 5. X is 1, Y is 5. X is 1, Y is 5. 1 5 2 10. सो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे उसको, एंड यू विल फाइंड दैट कि द नेचर ऑफ द डॉट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट यू विल डू दैट, व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ, क्या कहोगे आप? परफेक्ट कोरिलेशन है और प्लस वन है, क्यों? बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स आर ओवर हियर, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या बताया था मैंने पॉजिटिव के लिए, कि जब दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में मूव करने लगे तो वैसे केस में कोरिलेशन की वैल्यू जो है, डिग्री जो है, वो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की परफेक्टली परफेक्ट कोरिलेशन होता है, जिसकी वैल्यू जो है प्लस वन है। माइट वी आस्किंग द क्वेश्चन कि माइनस वन क्यों नहीं है, कंडीशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, शर्त आपके सामने है। लर्नर्स, पे योर अटेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर दोनों हमारे वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड बोथ आर शोइंग द इंक्रीजिंग टेंडेंसी, ठीक है, इस कारण से ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट टू दिस, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इसी तरह से आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि वो 1:1 रेशियो में ही मूव करे, जैसे 1 2 3 5 अप टू 10, हमने 5 का लिया अप टू 50, तो व्हाट वी सी दैट द रेशियो इज रिमेनिंग द सेम, 1:1 का रेशियो है, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट कि वो रेशियो जो है इक्वल ना हो, डिफर करे दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। इन दैट सिचुएशन व्हाट यू डू दैट, यू प्लॉट द पॉइंट एक्स एंड वाई पॉइंट, एंड यू फाइंड सच टाइप ऑफ डॉट्स। क्लियर? समटाइम्स एक्स इज मोर, समटाइम्स वाई इज मोर, एंड व्हाट वी सी दैट
अब सपोज यू टेक दिस पॉइंट, यू फाइंड दैट कि x की वैल्यू जो है वो लेस है और y की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, देन व्हाट हैपेंस इन दिस केस? देयर विल बी स्कैटर्ड, कभी y की वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू कम है, एंड अंडर द प्लॉटिंग यू सी x एंड y, तो देन यू विल मार्क द डॉट ओवर हियर एंड देन यू विल सी दैट सच टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल शेप. तो what conclusion you will draw? क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट तो है बट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है बिकॉज कि दिस डॉट्स आर स्लाइटली स्कैटर्ड आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन और लोअर डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. क्लियर टू यू? सो दिस वे अगर प्लॉटिंग करने के बाद इस तरह का नेचर आता है कर्व का तो देन यू कैन सी दैट यू कैन से दैट ड्रॉ द कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके बीच में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के बीच में. क्लियर? थोड़ा आसान सा भी है इसको समझने में क्योंकि ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है और प्लॉट करके इसके नेचर को रीड आउट करना है. नेचर को जैसे ही समझ जाएंगे आपके दिमाग में वो टेबल रन कर जाएगा कि हाई डिग्री है, परफेक्ट है, मॉडरेट है या लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. अपवर्ड डायरेक्शन में होगा धनात्मक होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ऋणात्मक होगा. लेट अस सी फर्दर मोर. लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन सी. अब ये प्लॉटिंग जो है डॉट्स जो हैं उसका फैलाव ज्यादा है. यू विल फाइंड दैट कि पहले जो था फैलाव कम था, एक सिलेंडर के शेप में था, अब ये एक ओवल के शेप में है. कुछ प्लॉट यहां है, कुछ यहां है, कुछ ऐसे है, कुछ इधर है. व्हाट यू सी दैट कि जो भी हमारा डॉट्स है वो थोड़ा और ज्यादा स्कैटर्ड हो गया है और ज्यादा फैल गया है. एंड व्हाट यू सी कि जब आपका प्लॉट है स्ट्रेट लाइन जो प्लॉट किया हुआ है आपने अपने स्टडी के लिए, इन दैट सिचुएशन व्हाट यू फाइंड दैट कि जो हमारे स्ट्रेट लाइन है उससे बहुत सारे लोअर पार्ट्स में बहुत दूर तक फैला हुआ है डॉट्स, अपर पार्ट्स में बहुत दूर तक फैला हुआ है डॉट्स. तो द शेप सजेस्ट अस, ये हमें क्या बताता है कि हमारी डिग्री जो है कोरिलेशन की वो काफी लो है. दोनों पॉजिटिव तो हैं लेकिन जिस हिसाब से हमारा एक्स वेरिएबल है उस हिसाब से वाई नहीं है, या जिस हिसाब से वाई वेरिएबल है उस हिसाब से एक्स नहीं. यानी दोनों इंक्रीज तो कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकिन वो काफी व्हाट वी से दैट काफी मतलब कभी वैल्यू कम हो जा रही है और कभी वैल्यू ज्यादा हो जा रही है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है और प्रोपोर्शन जो है वो काफी चेंज हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है. ठीक है? तो इस तरह से इसको हम कहेंगे लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अब सारे सिचुएशंस को जस्ट अपोजिट कर दीजिए. ठीक है ना? अब ये क्या आ गया हमारे पास, परफेक्ट कोरिलेशन, निगेटिव. व्हाट इज शोस जो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था. ठीक है? और जो पॉजिटिव कोरिलेशन था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. याद कीजिए, कोरिलेट कीजिए, लॉ ऑफ डिमांड को देखिए. डिमांड कर्व का नेचर क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, उसी तरह से. और सप्लाई कर्व का नेचर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो उससे कोरिलेट करके समझ लें इस चीज को. ये तो आपके सामने बड़ा अच्छा एग्जांपल है और आपके कोर्स का हिस्सा भी है. तो ये क्या हो गया, निगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, इसका वैल्यू -1 आएगा.
Next to this, 5 degree negative correlation. What it talks about? Downward direction. इसका भी explanation कैसे जाएगा? जो आपने positive high degree of correlation की बात कही थी, ठीक है? तो इस तरह से आप कैसे समझेंगे इसको कि high degree of correlation है downward direction में? Low degree of correlation negative. That is opposite to the positive low degree of correlation. तो इस तरह से आप इसको graphical presentation के through show कर सकते हैं. Graphical presentation के through explain कर सकते हैं कि correlation अगर दो variables के बीच के जो सहसंबंध हैं वो positive direction में है या negative direction में है, ठीक है, और उनकी degrees क्या है, how much they are associated with each other. Clear? So this is what we discuss about the coefficient of correlation. Concept क्या है, इसके objective क्या है, concept क्या है, और degrees of correlation क्या है, method of calculation क्या है, और ये सब aspects हम लोगों ने आज discuss किया. You have to keep in your mind कि कैसे इसको समझना है. और जब इसको आप जब भी स्लाइड्स को देखें तो आप एक अपने टेक्स्ट बुक के साथ रहें और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो ये क्लियर हो जाएगा. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट.